ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत शैवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय श्लोक संख्या 25। विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरौ भवतौ दर्शनम् यत् शात् अपुनर्भवदर्शनम्। विपदः सन्तु नः शश्वत् विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरौ तत्र तत्र जगद्गुरौ भवतौ दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरौ भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरौ भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरौ भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरौ भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। विपदः ऊपर गिनाई गई विपत्तियां संतो सब नहा हमारे पर शश्वत् आया करे तत्र तत्र। जब जब विपत्ति आती है तब तब जगत गुरु हे जगत गुरु भवतो आपका दर्शनम दर्शन होता है याद जिससे अपुनर्भव पुनर्जन्म का दर्शनम दर्शन नहीं करना पड़ेगा। अनुवाद इस प्रकार है, श्री कुंती जी अपनी प्रार्थना में गाती है कि भगवान जो विपत्तियों से आपने हमको पार किया है वो विपत्तियां हमें बार बार आए, क्योंकि जब जब विपत्ति आती है तब तब हे जगत गुरु आपका दर्शन होता रहता है।
और आपके दर्शन का अर्थ होता है कि हमें पुनर्जन्म का मुख नहीं देखना पड़ेगा। अमज्ञान तिमिदंतस ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोहविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपदन्ति। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोर्नमश्नवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादां सहगण ललितास्विशाखन्वित मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्गयद्गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतैर्गतिं मत्सर्वस्वपदां भोजौ श्रीराधामदनमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशाली श्री गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं कृष्ण भावनामृत संघ के आयोजित इस सत्संग में। आज जैसे इस सत्संग के अंतर्गत हम लोग श्री कुंती महारानी की प्रार्थना श्रवण करते हैं और इन महाबुद्धिमान महिला की प्रार्थना से हम लोग भगवत तत्व से अवगत होते हैं। अर्थात भगवत तत्व को हम लोग उन प्रार्थनाओं से समझते हैं। अन्यथा भगवान कब क्या और कितना अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं उनको कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन एक भक्त भगवान के कार्यों को भलीभांति समझता है। अतः जब भगवान का विवेचन उनके मुख से हम श्रवण करते हैं तो सुनिश्चित हम लोग भगवत तत्व के ज्ञाता होते हैं। और जब भगवत तत्व समझ में आता है तो भगवान कहते पुनर्जन्म न विद्यते। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान के जन्म और भगवान के कर्म जो तत्व से जानता है तो वह व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म का अर्थ होता है पुनः एक बार हम लोग ये मृत्युमय संसार को देखेंगे नहीं और ये दुखमय शरीर हमारे पास नहीं होगा। उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास शरीर ही नहीं होगा,
हम अपने स्वरूप उन चिन्मय तत्व में नियुक्त हो जाएंगे, अर्थात हमारा चिन्मय शरीर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो भगवत तत्व की जानकारी उन भगवत भक्तों की संगति में होती है। इसे कहते हैं ऐसे विद्वान भक्तों की संगति से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। क्या क्या लाभ होता है? मृत्युर अमृत तत्वाय कल्पते, कैसे है वस्तु का आगे का लाइन में भूल रहा हूं, बहुत काल बाद ये श्लोक माइंड में पड़ रहा है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान के उन विद्वान भक्तों की संगति में आते हैं, तो उन संगति में आते ही कहते सुन्यायतम पूर्णाय तत् मृत्युर अमृत तत्वाय कल्पते, और विपदा संपदा इव आभाति विद्वत जन समागते। विद्वान भक्तों की संगति में आने से ये तीन चीज होनी है। क्या? तो कहते हैं कि शून्यायतम पूर्णाय तत्, हम सब लोग का हृदय शून्य है। शून्य का अर्थ हम जिस प्रेम को जिस सुख को चाहते हैं उससे रिक्त हम लोग का हृदय है। चाहने पर भी हमको वैसा प्रेम कोई नहीं करता है जैसा प्रेम हमको चाहिए, नहीं, उसमें अभाव होता है। यह अभाव युक्त संसार है। व्यक्ति के चित्त में वो कभी भी संतुष्टि नहीं होती है, इसलिए कहते हैं शून्यताम, उनका हृदय शून्य रहता है। शून्यतम पूर्णाय तत्, जब साधु संगति में आते हैं तो उस शून्यता की पूर्ति होती है। ना पूर्ति कैसे होती है? क्योंकि जो चीज घटता है हमारी असंतुष्टि का कारण, जिसके कारण हम असंतुष्ट है, उस वस्तु का चर्चा चलता है, वो है भगवत तत्व। इसको बराबर समझ लेना चाहिए। जिसके कारण हमारा चित्त शून्य है, क्योंकि हम भगवान के प्रेमी हैं, सब जीव भगवान के प्रेमी हैं, और वो दूसरों को प्रेम कर नहीं सकता है, वो अपनी जात को ही प्रेम करेगा, क्योंकि दूसरा उनके जैसा तत्व चिन्मय तत्व उनको दिखाई नहीं पड़ता है। और भले ही संसार में वो एक दूसरे चिन्मय जीव के साथ व्यवहार करता है, है? लेकिन उनका सारा व्यवहार भौतिक स्तर, इन माइक स्तर पर होता है। वो चिदानंदमय जीव को नहीं समझ पाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि उन माया के द्वारा बद्ध की गई है। इसलिए जब तक माइक दृष्टि इनके पास रहती है, तब सुनिश्चित वो अपने स्वार्थ के लिए ही काम करेगा। इसलिए संसार में सब लोग दुखी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए दूसरे को प्रेम करते हैं, दूसरे के लिए दूसरों को प्रेम नहीं करते हैं, अपने लिए दूसरों को प्रेम करते हैं। बहुत सुंदर सिद्धांत है शास्त्र में, लेकिन साधु लोग दूसरों के लिए दूसरों को प्रेम करते हैं, भगवान दूसरों के लिए दूसरों को प्रेम करते हैं, अपने लिए नहीं। ये साधु और भगवान का ये प्रायोरिटी है, ये गुणवत्ता है। हाँ, इसलिए
कि वो लोग स्वार्थी नहीं है और जगत के जीवों का वास्तविक परमार्थ स्वार्थ क्या है उनको जानने वाले होते हैं, इसलिए वो भगवत तत्व की चर्चा ही करते हैं, उनको साधु बोलते हैं। साधु दूसरा कुछ वस्तु का चर्चा नहीं करेगा। वेदव्यास महाराज ने दूसरा वस्तु का चर्चा करके असंतुष्टि अनुभव किया, विस्तार किया, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग इत्यादि नारद जी ने बताया। ये कोई भी मार्ग बताने से धर्म का सारा नाना प्रकार का निरूपण आपके द्वारा हुआ है, इस पर भी आप असंतुष्ट क्यों है? बोले यही तो मेरा समस्या है। तो बोलते इसीलिए कि नाना मार्ग से जीव को सुखी नहीं किया जा सकता, जीव असंतुष्ट रहेगा ही रहेगा जब तक उनको चिन्मय वस्तु भगवान की भक्ति न दी जाए और उन भक्ति से जीव भगवान का अनुभव न कर ले, तब तक उनकी माया का लगाव छूटेगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि शून्यताम, सबका हृदय शून्य है। शून्य का एक अर्थ है प्रेम से रिक्त, स्वार्थ, अपना मेरी डिमांड पूरा करना चाहिए, दूसरे की क्या है मैं नहीं देखूंगा। और ये संघर्ष है इस संसार में, संघर्ष क्या है, लड़ाई क्या है, यही लड़ाई है। हमको कोई नहीं देखता है, हमको कोई, सब लोग यही सोच रहे हैं हमको कोई नहीं देखता, कौन किसको देखे, साधु देख लेता है उनकी समस्या। इसलिए संसार में साधु ही एक परोपकारी व्यक्ति है, वो दूसरे का उपकार करता है, और उपकार कैसे करना चाहिए वो भली भांति जानता है। ऐसे तो इस संसार में बहुत बहुत लोग उपकारी जन घुमा करते हैं, लेकिन कैसे उपकार करना चाहिए ये समझ के बगैर वो लोग उपकार करने के लिए चलते हैं। रोटी कपड़ा मकान इत्यादि या बीमारी को ठीक कर देना, आंख का दवा खाना यह दवा खाना वह दवा खाना खोल देना, ये उपकार है, लेकिन परोपकार नहीं है। परोपकार नहीं है, पर माने सर्वोच्च उपकार नहीं है, उपकार है। आत्मा शरीर है ही नहीं, और उनको शारीरिक कितनी भी सुविधा पहुंचाने के लिए कोई कोशिश करे इससे वो संतुष्ट होगा नहीं, उनका स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। साधु लोग इसको जानते हैं। प्रश्न वजन तो देने के ये जे पीड़ पराई नरसिंह मेहता, वो पराई पीड़ को दूसरे की पीड़ा को वैष्णव समझते हैं और उपाय भी बराबर जानते हैं, इसलिए वो भगवत चर्चा देते हैं। तो शून्यतम पूर्णायतत, उस शून्यता की पूर्ति होती है, सिंपल। अच्छा दूसरा क्या होता है, बोले मृत्यु अमृत तत्वाय कल्पते, नहीं विपदा संपदा इव आभाती। दूसरा चीज होता है कि बड़ी बड़ी जगत की विपत्तियां वो महासंपदा के रूप में आती है, इसी की चर्चा इस श्लोक में की गई है, इसलिए श्लोक मुझे याद आ गया बैठते ही। कुंती महारानी विपत्ति मांगती है, कभी कोई मांगेगा विपत्ति, और कुंती की कमी था विपत्तियों का, अपने जीवन की शुरुआत से कुंती दुखी थी और ससुराल जाकर के और दुखी हो गई, और पति के देहांत के बाद और दुखी हो गई, और बच्चे बूढ़े होने के बाद और दुखी हो गए। उनका दुख बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, और फिर भी ये महिला भगवान के पास यही मांगती है, क्योंकि वो जान गई कि यहां की जो विपत्तियां है
वो महासंपद लेकर के आती है। भगवान का स्मरण एक बार जीव के चित्त में आई संसार में तो यह जीव की अपनी संपत्ति है। भगवान की याद आए जीव तो विपत्ति में है उनमें याद आता है। खैर मैं कह रहा था उन श्लोक को हम लोग देख लेते। विपदा संपदा इव आभाती, बड़ी बड़ी विपत्तियां महासंपत्तियों का रूप लेकर के दिखाई पड़ती है। अरे कहां तक कहे मृत्यु अमृतत्व ही कल्पते, मृत्यु भी अमरत्व का गेट खोलने वाला होता है, वैकुंठ का गेट खुल जाता है, दोबारा व्यक्ति को मरना नहीं पड़ेगा। विद्वत जन समागत है, चाणक्य पंडित ये श्लोक लिखा है। बोले विद्वान भक्तों की संगति में ये तीन चीज होता है। इस जगत में साधु संगति जैसा स्वार्थ सिद्ध कहीं नहीं होता है व्यक्ति का। वो साधु संगति उनको स्वार्थ सिद्ध करा करके देती है। और जब से जगत है तब से साधु संघ का महिमा है। जब से संसार बना है तब से सत्संग की महान महिमा है। तो इस सत्संग में हम लोग इस कुंती जी की स्तुति लेते हैं। और कुंती जी की स्तुति में हम लोग आज दोपहर को देख रहे थे कि कुंती जी अपने विपत्तियों को गिना रही है, आपने हमारे लिए क्या नहीं किया। अब कुछ बाकी रह गया था तो कहते हैं असत सभाया, तहां तक हम लोग चर्चा किया था। असत सभा माने जो द्रौपदी को अपने कुल की एक महान महिला को नग्न देखना चाहते थे सभा में। चूंकि दुर्योधन को एक बार मजाक में बोल दिया था द्रौपदी ने कि अंधे के अंधे ही होते हैं ना, ऐसा बोले थे द्रौपदी ने ऐसा। तो बहुत इच्छा से ये वाक्य बोला गया था, द्रौपदी किसी को बोलेगी नहीं, दुख लगाने वाला माने, लेकिन भगवान की इच्छा थी। तो ये दुर्योधन को बहुत खटक रहा था और कर्ण को खटक रहा था स्वयंवर। बोले सुत पुत्र है, क्योंकि वो तो अनुसंधान करके वो मच्छेद करता था, वो पानी में देख करके मछली को उड़ाना था ऊपर, और तराजू में दो बैलेंस करके और फिर ऊपर मछली को, अर्जुन के अलावा कोई नहीं कर सकता है। ये द्रौपदी के कहने पर इसी प्रकार का आयोजन हुआ था। द्रुपद महाराज को द्रौपदी ने बताया कि मेरा स्वयंवर में इस प्रकार आप योजना कीजिए। वो जानती थी कि सुनिश्चित अर्जुन आएगा इसके लिए, और अर्जुन जी आए भी थे, भगवान की कृपा से अर्जुन पहुंचे। लेकिन कर्ण जब चला अनुसंधान करने के लिए तो तुरंत द्रौपदी ने बोला मैं सुत पुत्र से मेरा विवाह नहीं करूंगी। ये उनको खटक रहा था कर्ण को, यदि वो द्रौपदी का ही पुत्र है, सॉरी कुंती का पुत्र है, तो लेकिन वो एक सूत के घर में पला था। तो महाभारत में सारा आप सब लोग जानते ही है, तो इसको ये खटक रहा था और शकुनी को खटक रहा था, एक अंधे के साथ मेरे बाप ने मेरी बहन का विवाह किया है, उनके कुल के साथ उनको नाश करूंगा। सबका अपना अपना, सब लोग लेकर के बैठे हुए थे, अपनी महात्मा
कक्षाएं थी, और दत्ताष्ट अंधे की महात्मा कक्षा क्या थी, मेरे पुत्र को राज्य मिले। लेकिन उनके पुत्र के साथ जो भी था उनका अपना भिन्न भिन्न स्वार्थ था। पांडव सेना में इस प्रकार नहीं था। पांडव सेना में सब लोग केवल अर्जुन का सहायता करने के लिए आए हुए थे। विषमता देखिए, कुछ भी हो, इसलिए वो लोग द्रौपदी को नंगा देखना चाह रहे थे। लेकिन कुंती जी कहती है कि भगवान आपने उन वस्त्र अवतार लेकर के हमारी इस असत सभा से रक्षा किया, और वनवास कृष्णम वनवास कृष्णत, जब हम वन में निवास कर रहे थे उन 12 साल के लिए कवरों के द्वारा जब निष्कासित कर दिए गए उनको कि 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, तो उस समय पांडवों ने बहुत दुख झेला। इतना दुख झेला युधिष्ठिर महाराज कभी कभी रोने लगते थे, वो अपने दुर्भाग्य पर रो पड़ते थे। और तब धौम्य इत्यादि बड़े बड़े ऋषि मुनिगण महाराज को ढाढ़स बंधाते थे। एक दिन तो महाराज ने बोला, इस संसार में महाराज कोई मेरे जैसा दुखी हुआ है? हमारे पिताजी का राज्य होते हुए भी हम लोग राज्य से दूर है। और बुद्धू लोग ये कहते हैं कि इसमें युधिष्ठिर की गलती थी। क्या ना, क्यों जुआ खेले उसको मालूम नहीं है। इस सब के पीछे भगवान श्री कृष्ण सबको कार्य कराने वाले हैं। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर ये कार्य करे। ये युधिष्ठिर कुंती इत्यादि का अपने कर्मों का दुख नहीं था, ये नित्य परिकर थे भगवान के, उनके पास कोई कर्म नहीं था आगे पीछे। तो भगवान की योजना थी, इस पृथ्वी का भार उतारना चाहते थे भगवान तरह का, और पापी लोग को चुन करके मारना चाहते थे। और पापी लोग हमेशा दुष्ट का पक्ष लेते हैं, इसलिए दुर्योधन को माध्यम बना करके सबको उड़ा दिया भगवान ने। तो ये योजना थी। युधिष्ठिर महाराज से उपदेश लेना है तो ये लेना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज एक बार जुआ खेले 12 साल वनवास, वो भगवान के भगत थे इसलिए 12 साल वनवास में छोड़ दिया। भगत नहीं है, वो जुआ खेलेंगे तो क्या दशा होगी, ये उपदेश ग्रहण करने लायक। लेकिन उपदेश हमेशा उल्टा लेते हैं लोग। इस संसार में ऐसे लोग अभी बोलते ना, दुर्योधन अच्छा आदमी था, रावण बढ़िया आदमी, तुम रावण जैसे हो इसलिए बढ़िया लगता है, बुद्धि रावण जैसी है, रावण की पूजा करने वाले लोग है। क्या संसार है, देख जिसमें एक भी गुण नहीं, दुर्गुण के पुत्र लोग की पूजा करते हैं लोग। कहां तक बताए, कितनी निकृष्ट बुद्धि हो गई है। अमिताभ बच्चन का मंदिर बना है अब वो सब को कितना थर्ड क्लास हो गया है। अब वो सोच सकते हैं कि कितना डल माइंडेड लोग हो गए कलयुग में। जस्मीन युग है इस कलयुग में, ये होना है, क्योंकि कि लोगों की बुद्धि इतनी डल कर दी जाएगी उन समय के प्रभाव के कारण, वो समझ नहीं पाएंगे क्या वस्तु है और क्या वस्तु ठीक है। जो कुछ भी है, उन वनवास में उन युधिष्ठिर महाराज एक दिन रोने लगे, बोले मेरे जैसा कोई दुखी धौम्य जी आकर के, बड़े बड़े ऋषि मुनिगण आया जाया करते थे हमेशा उनके घर में, और द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, उनमें से खाना हमेशा निकलता था। जब तक वो नहीं खा लेती थी तब तक खाना निकलता ही जाता है, जो चाहिए वो, बनाने का जरूरत नहीं था द्रौपदी। इसलिए युधिष्ठिर महाराज
बड़े बड़े ऋषि मुनियों का स्वागत ऐसे ही करते थे जैसे अपने राज्य काल में किया। इंद्रप्रस्थ में जिस प्रकार सबका स्वागत करते थे, वो वनवास में भी उनके अतिथि कभी भूखे नहीं जाते थे, वो अक्षय पात्र उनको उनके पास था। तो खूब स्वागत करते थे। धम्म जी को एक दिन पूछा कि मेरे जैसा कोई दुखी, तब वो कथा कहते धम्म जी,